हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg, m3 इज इक्वल टू 4 kg आर कनेक्टेड विद आइडियल स्ट्रिंग्स पासिंग ओवर अ स्मूथ मासलेस पुले एज शोन इन अ फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक विल बी, और यहाँ पे हमें जी दे रखा है 10 m/s², और यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो ये m2 और m1 वाला ब्लॉक है इन दोनों का जो मास है उसको मैं कंबाइन कर दूंगा और मैं समझूंगा एक इन दोनों की जगह एक दूसरे ब्लॉक को, और इस ब्लॉक का मास कितना होगा, इस ब्लॉक का मास इन दोनों मासेस का जो सम होगा वो होगा, यानी कि जो m1 का मास था वो 4 kg था और m2 का था 2 kg, तो जब मैंने 4 + 2 किया तो हमारा जो टोटल मास आएगा वो आएगा 6 kg, यानी कि जो इस वाले ब्लॉक का मास होगा वो होगा 6 kg। तो कैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक दूसरी फिगर ड्रॉ कर दी है जिसमें मैंने यहाँ एक 6 kg का ब्लॉक बना दिया m2 और m1 की जगह, ठीक है। और गाइस अब हम मैं क्या करूँगा, मैं मानूंगा कि ये जो 6 kg का ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है और जो m3 है जिसका मास 4 kg है ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। और गाइस आपको पता है कि जो ये हमारी एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट होंगे अब, तो जो इस टेंशन में जो इस साइड पे ये वाली स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन होगा वही यहाँ पे भी हमारा टेंशन होगा इस वाली स्ट्रिंग में, यानी कि जो स्ट्रिंग इस वाली साइड है यहाँ पे भी सेम टेंशन होगा। तो गाइस अब क्या करूँगा, पहले मैं 6 kg के ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी है, यहाँ गाइस मैंने लिखा है 6g - t = 6 है। यहाँ पे जो g है गाइस वो है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और गाइस मैंने 6g पहले इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने क्या माना है कि जो 6 kg का ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, यानी कि जो 6 × g होगा ये अब हो जाएगी हमारी फोर्स, तो यानी कि 6g जो फोर्स है वो टेंशन से ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 6g - t = 6a, ठीक है गाइस। क्योंकि 6g में से जो मैं टेंशन माइनस करूँगा, जब मैं 6g से टेंशन माइनस कर दूँगा तो मेरे पास एक फोर्स आएगी और यही फोर्स होगी जो 6 kg के ब्लॉक का एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी। तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 6g - t = 6a, और इसको मैंने माना है फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा 4 kg ब्लॉक के लिए, यानी कि m3 वाले ब्लॉक के लिए। इसमें हमें पता है, हमने इसमें माना था कि अगर 6 kg का ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 4 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, तो यानी कि जो टेंशन होगी वो 4g से ज़्यादा होगी, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने टेंशन को पहले लिख दिया है फिर 4g लिखा है। तभी यहाँ मैंने लिख दिया है t - 4g = 4 है, और इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन माना है। अब गाइस मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ ऐड कर दिया है, मैंने लिख दिया 6g - t + t - 4g = 6a + 4a, और गाइस आप देख सकते माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा, 6g - 4g होगा वो हमारा 2g के इक्वल हो जाएगा, और 6a + 4a किसके इक्वल हो जाएगा, 10a के इक्वल। और गाइस अब हम क्या करेंगे, g की जगह पुट कर देंगे 10, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था कि जो हमारा g है वो किसके इक्वल है, 10 m/s² के इक्वल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं जी की जगह 10 पुट कर दूंगा, इक्वल टू 10 है। अब ये 10 से 10 कट जाएंगे तो जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 2 m/s². तो गाइस इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछ रखा है। अब गाइस आप कह रहे होंगे कि अगर हम इन दोनों ब्लॉक को अलग अलग ही रखें तो क्या तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो गाइस हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इसको मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और उसको कर देते हैं साइड में। तो गाइस अब क्या करना है हमने कि जो ये वाली स्ट्रिंग है ना इसमें मैं टेंशन मान लूँगा T1, ठीक है, और ये इस वाली स्ट्रिंग में तो टेंशन मैं T ही मानूंगा। इधर अगर T टेंशन होगी, अगर इधर T टेंशन होगी तो इधर भी T टेंशन होगी। अब गाइस हेलो गाइस, इस क्वेश्चन को गाइस हम एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम M1 और M2 ब्लॉक को कंबाइन ना करें और इसको ऐसे ही रहने दें तो गाइस तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वाली स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन लग रही है उसको मैं मानूंगा T1, और इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही है वो T लग रही है, तो इधर भी T ही टेंशन लगेगी, ये हमें पता है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, पहले मैं M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूँगा। तो गाइस आपको पता है कि हमारा जो ये M1 ब्लॉक है इसको हम मानेंगे कि नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा M3 वाला ब्लॉक होगा वो ऊपर जा रहा होगा और M2 वाला ब्लॉक ये भी नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले मैं लिखूंगा M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन। तो गाइस मुझे पता है कि जो M1 ब्लॉक के पे जो फोर्स लगा रही होगी ग्रेविटी वो जो टेंशन से T1 होगी उससे ज़्यादा होगी, इसलिए गाइस मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा M1 G
माइनस टी वन इज इक्वल टू एम वन ए, ये हो जाएगा इस मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, इसको गाइस मैं सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं एम वन जी में से टी वन माइनस कर दूंगा तो कुछ तो फोर्स आएगी, और यही फोर्स होगी जो हमारे एम वन ब्लॉक का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी। और गाइस अभी हम एक्सेलरेशन ही निकालेंगे। अब गाइस मैं क्या करूँगा, मैं अब एम टू ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखूंगा। तो गाइस आपको पता है कि जो हमारा एम टू ब्लॉक है वो नीचे आ रहा होगा, यानी कि जो हमारा एम टू जी प्लस टी वन होगा वो ज़्यादा होगा टी से। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ मैं लिख देता हूँ एम टू जी प्लस टी वन माइनस टी। क्योंकि गाइस आपको पता है ये दोनों फोर्सेस कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि जो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है वो एम टू को नीचे खींचना चाह रही है ना, यानी कि जो टी वन वाली टेंशन है वो एम टू को नीचे खींचना चाह रही है, और एम टू जी है वो भी नीचे, वो भी इस वाले ब्लॉक को नीचे ही खींच रही है, लेकिन जो टी है वो इसे ऊपर खींचेगी। और गाइस अब हम आगे लिख देंगे एम टू ए, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब गाइस हम एम थ्री के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो गाइस वो आप देख के ही लिख सकते हैं फिगर में कि जो हमारा टी होगा वो एम थ्री जी से ज़्यादा होगा, तो हम लिख देंगे टी माइनस एम थ्री जी इज इक्वल टू एम थ्री ए। तो ये हो जाएगा अब थर्ड इक्वेशन। अब गाइस मैं क्या करूँगा कि जो ये तीनों इक्वेशन है इसको मैं सम कर देता हूँ। तो गाइस हम इसको यहीं पे सम कर देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि माइनस टी वन से प्लस टी वन कट जाएगा, और माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा, ये जी गाइस हमने काट दिया। अब गाइस क्या होगा, एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस एम थ्री जी हो जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ गाइस मैं एम वन प्लस एम टू माइनस एम थ्री ब्रैकेट में जी। यहाँ पे गाइज मैंने जी कॉमन ले लिया है। और गाइज जब हम इधर एम वन प्लस एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस एम थ्री ए कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और ब्रैकेट के बाहर ए आएगा, ये आ जाएगा ए। अब गाइज हमने सिर्फ वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं रख देता हूँ वैल्यू। तो गाइस हमारा M1 कितना था देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो गाइस हमारा M1 था 4 kg, और M3 भी हमारा गाइस 4 kg है। ठीक है, और M2 हमारा 2 kg है, ये हमें याद रखना है। तो गाइस M1 की जगह हम रख देंगे 4, M2 की जगह रख देंगे 2, और M3 की जगह पुट कर देंगे 4, ब्रैकेट क्लोज, और G की जगह हम पुट कर देंगे 10, M1 की जगह पुट करेंगे 4, M2 की जगह पुट करेंगे 2, और M3 की जगह पुट कर देंगे 4, और ब्रैकेट के बाहर है। तो गाइस 4 प्लस 2 हमारा 6 हो जाएगा, और 6 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 2, 2 इंटू 10, और ब्रैकेट के बाहर 10 था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब इस राइट हैंड साइड देखते हैं, तो गाइस इन तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गाइस ये 10 से 10 कट जाएगा हमारा, और ए जो आएगा वो आएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा इस वाले मेथड से भी जो एक्सीलरेशन आ रहा है ब्लॉक्स का वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइज़।